हो गया। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज पहला वीडियो होगा क्लास फाइव का। क्लास फाइव का मैथ्स पढ़ाएंगे। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये। इसके पहले मैंने दूसरे क्लास को पढ़ाया था, तो सेम चीज़ है लगभग, जल्दी पढ़ा देंगे। एक एक्सरसाइज जल्दी तुरंत हो जाएगा। तो वीडियो देखने वाले, सबसे पहले लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट सब कुछ करना है, और अपने दोस्तों को शेयर भी करना है, बताना है। हाँ, मेरा नाम अनिमेश सिंह है, मैं आप लोगों को मैथ्स साइंस एंड क्लास फाइव है तो SST मैं ही पढ़ाऊंगा। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, सोच रहा हूँ कहाँ से शुरू करूँ। पहला एक्सरसाइज से ही चालू करते जो रहे। ट्राई योर सेल्फ। रिप्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना है। पहला क्वेश्चन देखिए, ट्राई योर सेल्फ है, ये रिवीजन एक्सरसाइज है। रिवीजन एक्सरसाइज मैं कंप्लीट करा लेता हूँ। प्लेस वैल्यू चार्ट है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन द प्लेस वैल्यू चार्ट, क्वेश्चन है। प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना है। पहला क्वेश्चन है, 3 8 रुकिए 3 8 6 5 0 1 2 4 5 0 1 2 4। तो प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं। ऐसे लिखना है, करोड़ में आएगा, ऐसे लाइन टान दीजिए। करोड़ में दो पार्ट आ जाते हैं, 10 करोड़ एंड करोड़, 10 करोड़ एंड करोड़, फिर आएगा लैक्स, 10 लैक्स एंड लैक्स, फिर 10,000 थाउजेंड, थाउजेंड, फिर 110 1, 110 1। तो वहां से लिखना चालू करेंगे। देखिए, पहला डिजिट जाएगा 4, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर 5, फिर 6, फिर 8, फिर 3। तो देखिए, 3 आया करोड़ में, 8 आया लैक्स में, 10 लैक्स में, 6 आया लैक्स में, 5 आया 10,000 में, 1,000 में कुछ भी नहीं, ये 100, ये 10, 2 10 में, 4 0 4 1 में। तो इसी तरह आपको लिखना है, जब भी क्वेश्चन आए इस तरह से चार्ट बना लेना है, नंबर को डिवाइड कर देना। तो वन नंबर क्वेश्चन में 3 पार्ट था, 1 पार्ट मैंने बता दिया, अब बाद बाकी दोनों पार्ट आप लोगों का होमवर्क रहेगा। राइट द फॉलोइंग नंबर इन द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। पहले इंडियन सिस्टम में उसको डिवाइड कर लेंगे। इंडियन सिस्टम में डिवाइड करने के बाद
प्लेस वैल्यू चार्ट दे देगा। सेम है, प्लेस वैल्यू चार्ट सिर्फ जगह खा रहा है। चलिए बताते हैं, कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, ऊपर का सब बोरिंग क्वेश्चन है। ये आप लोग जूनियर सेक्शन में किए हुए हैं। राइट द न्यूमरल्स ऑफ द फॉलोइंग, मतलब वर्ड्स में दिया हुआ है उसे नंबर्स में लिखना है। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू आप लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है पहले जूनियर क्लास में। प्लेस वैल्यू क्या होता है किसी भी नंबर का, फेस वैल्यू क्या होता है। जैसे सपोज करो प्लेस और फेस वैल्यू में बता रहे हो, क्वेश्चन नंबर 4 का है। 8-2, 8-2 अगर प्रॉब्लम हो तो क्लास 6 का मैथ्स का पहला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हूं मैं फेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है। 8-2-7-9-6-5-3-4 तो इसका अंडरलाइन डिजिट कौन सा है, 6। इसका पूछा जा रहा है प्लेस वैल्यू, इसका प्लेस वैल्यू होगा आपका 6 के बाद कितने डिजिट है, 6 के बाद 3 डिजिट है, तो जितने डिजिट उतने 0। फेस वैल्यू क्या होगा, फेस वैल्यू होगा 6। फेस वैल्यू में कुछ चेंजेस नहीं आता, जो है वही। अभी ये सब क्वेश्चन अच्छा है। राइट द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा। स्मॉलेस्ट नंबर जब भी पूछा जाएगा तो 1000, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। अच्छा बताइए स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 होता है, उसी तरह स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या होगा, 1 कितना हुआ ये 10 लाख। स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या है, 10 लाख। राइट द लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर, दस लाख है। लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या होगा, लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर होगा 9-7 टाइम्स। सेवन टाइम्स 9 दे दीजिए, वही होगा लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर। राइट द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर 9। स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर वापस वही है जैसे स्मॉलेस्ट 7 डिजिट था, उसी तरह स्मॉलेस्ट 8 डिजिट हो जाएगा। हाँ, 1 जितना डिजिट चाहिए, 8 डिजिट चाहिए ना, 1 तो ऑलरेडी 1 डिजिट हो गया, तो 7-0 दे दीजिए। स्मॉलेस्ट 1 डिजिट हो गया, 8 डिजिट हो गया। लार्जेस्ट 8 डिजिट क्या होगा, 8 टाइम्स 9 को लिख दीजिए, वही होगा लार्जेस्ट 8 डिजिट। वो भी बता देते हैं जब सब बता ही रहे, तो एट डिजिट 9-9-9-9 इंटरनेशनल सिस्टम में ही नंबरिंग कर देंगे, 6-6-6-2-8। यह है लार्जेस्ट 8 डिजिट। पहला एक्सरसाइज हो गया आपका ट्राई योरसेल्फ का,
दूसरा एक्सरसाइज है, दूसरा एक्सरसाइज भी कर दे। कितना वीडियो? 11 मिनट का। अच्छा ठीक है, आज यहीं तक छोड़ते हैं। 2-3 दिन लगेगा ये पैरा एक्सरसाइज जो है, जिसका नाम है आपका एक्सरसाइज का नाम है क्या, तो नाम है लार्ज नंबर। लार्ज नंबर एक्सरसाइज 2-3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 4 बेसिक ऑपरेशन, टोटल 12 एक्सरसाइज ही है। तो ज़्यादा स्पीडली पढ़ाने से कुछ लाभ नहीं है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे साइंस हुआ, SST हुआ। SST का सिलेबस बहुत ही लंबा है, उसमें हर एक मंथ में 4 चैप्टर कम से कम पढ़ाना होगा, तो उस पर भी कंसंट्रेट करना है। तो इसका टोटल 12 चैप्टर ही है, तो एक चैप्टर ये 1 मंथ में, अभी अप्रैल में ही 3-4 क्लास और होगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए एंड करते हैं। ये जो ये वाला एक्सरसाइज जो था ट्राई योरसेल्फ, इसका जो रिमेनिंग क्वेश्चन जो मैंने नहीं बताया वो आप लोग ट्राई करोगे, और मुझे अगर कुछ डाउट हुआ तो व्हाट्सएप पे पूछ लोगे। गुड बाय।